Why don't people work out, man? Bloody Wolfie. Coming! Wait! खोल रहा हूँ। बादल, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? हाँ? डॉक्टर क्या? शाइन, you again? Sorry, वो मैं थोड़ी वो सफाई कर रहा था। क्या? सफाई? और इस घर की? बादल, एक सेकंड, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? और सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? अच्छा, वेयर्स ब्रायन? हाँ, ब्रायन, स्टॉप शाउटिंग, उसे अब सुनाई नहीं देगा। अब सुनाई नहीं देगा मतलब? मतलब वो नीचे नहीं मिला तुम्हें? वो तो तुम्हें रिसीव करने नीचे गया था। नीचे? पर उसे कैसे पता मैं नीचे आ रही थी? He's not even picking up my calls. Really? Strange. Very irresponsible husband you have. अच्छा, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं नहीं नहीं। See, he was inside now. तुम मेरे घर की तलाशी लेना चाहती हो? You tried earlier also, है ना? No, I'm just. अच्छा, okay. नीचे चलते हैं, ठीक है? Let's check where Brian is. हाँ, that's a great idea. बाहर तो आओ। हाँ, let's go. घर से बाहर निकलते हैं। हम लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते। सीढ़ियों से? इट्स 13th फ्लोर बादल, वी आर गोइंग बाय द लिफ्ट ओनली। ओके, चलो। ओके, अच्छा बादल, आई नो यू आर क्लॉस्ट्रोफोबिक, प्लीज डोंट वरी, मैं हूं ना, कम आ जाओ। ओके। Going down. Naughty phrase to say, na? Badal, you used to enjoy these jokes and innuendos. Kya hua tumhe? Look, देखो, ये देखो चारों तरफ ये लोहे की मोटी चादरों से बनी ये लिफ्ट। ये इतनी मोटी कि ना तो आवाज बाहर जाए और ना ही सांस अंदर आ पाए। ऐसा लगता है जैसे मेरा ये दम घोट रही है। रिलैक्स बादल, थोड़ी देर में लिफ्ट खुद खुल जाएगी, चिंता मत करो। बट व्हाट इफ ये लिफ्ट के दरवाजे ना खुले? व्हाट इफ ये घुटन से भरी लिफ्ट नीचे जाए और वो भी तेजी से, और इस मेटल के बक्से में बंद मैं सीधा जमीन पर जा टकराऊं, जस्ट लाइक अनुभव। व्हाट? अभी अनुभव कौन है? अच्छा, ओके, समझ गई। या अनदर क्राइम स्टोरी। बादल देखो, सिंस तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है, तुम क्यों ना अनुभव की कहानी सुना दो, है ना? शायद डिस्ट्रैक्शन से काम कर जाए और तुम्हें घुटन फील ना हो। चलो सुनाओ कहानी, बता। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 13 अगस्त 2023, नोएडा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और दिल्ली NCR में बसे शहर नोएडा ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है। और इसी वजह से जहां देखो लंबी लंबी नेक ब्रेकर बिल्डिंग्स बनी दिखाई देती हैं, और जहां आपको ऐसी कोई बिल्डिंग ना दिखे तो समझ जाना कि वहां कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है। सेक्टर 27 में एक ऐसी ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से इंस्पेक्टर रवि बत्रा को कॉल आया और वो तुरंत एक रेस्क्यू टीम लेकर वहां पहुंचा। ऑलरेडी 10-12 मजदूर मिलकर एक क्रैश्ड लिफ्ट को हथौड़े छेनी से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रेस्क्यू टीम लिफ्ट ने अपने स्पेशलाइज्ड टूल से लिफ्ट की लोहे की चादर को काटा, अंदर एक फटा हुआ आदमी पड़ा था। डॉक, उसकी बॉडी, यू नो व्हाट इट वाज लाइक, ऐसे। बादल, हाँ मैं हूं ना यहाँ, कम गिव मी, होल्ड माय हैंड, आई एम हियर फॉर यू।
रिलैक्स। तुम स्टोरी बताओ। हाँ, आगे बताओ। स्टोरी। अनुभव सिंह, द सुपरवाइजर ऑफ दैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जो उसी लिफ्ट में रोज ऊपर नीचे जाता था। अब उसकी शिनाख्त भी मुश्किल थी। यू नो, ऐसे ही लोहे की वॉल्स थी उस लिफ्ट की, जो गिरने के हैवी शॉक से ऐसे स्क्रंच होकर पिचक गई, और उन दीवारों पर थे खून के निशान। वो खून जो तब फव्वारे की तरह फैला होगा जब लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही थी, और उतनी ही स्पीड से अनुभव का सर लिफ्ट की सीलिंग से टकराया, उसकी टूटी हुई खोपड़ी में से उसका भेजा ऐसा बाहर आ गया। इनफ इनफ बादल, इनफ इनफ बादल, ये तुम्हारा डर बोल रहा है। दुनिया भर में इतनी सारी बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स हैं, और एक आधा हादसा इज वेरी रेयर केस ऑफ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Listen. Calm down, बादल। You're not alone ना, है ना? देखो, मैं भी हूँ यहाँ पर। अभी चल जाएगी। कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, रिलैक्स करो, थोड़ा वेट करो, चल जाएगी, है ना? सांस लो। Yes, breathe in, breathe out. पर मेरी heart is beating so fast. I'm scared. Don't be. I'm here ना, है ना? Give me your hand. Can you feel it? मेरी हार्ट बीट भी तो तेज है ना बादल? पर देखो देखो मैं कितना काम हूँ, क्योंकि मेरे साथ तुम हो। I'm trying. पर आपको इस तरह मेरा हाथ अपने ऐसे, I'm sorry, मेरा हाथ छोड़िए। कहानी में रेस्क्यू टीम उस लिफ्ट से सुपरवाइजर अनुभव की बॉडी निकाल रही थी, जो कि अब तक डेड बॉडी हो चुकी थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंस्पेक्टर की नजरें ये तलाश रही थी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। जब इंस्पेक्टर लिफ्ट के करीब पहुंचा तो उस लिफ्ट की सीलिंग पर लगी केबल पर नजर गई, जो कि अब लिफ्ट के आसपास बिल्कुल वैसे फैले हुई थी जैसे 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 मेरी जुल्फे मेरे चेहरे पे। हाँ, मतलब या ऑलमोस्ट। एक बात तो तय थी कि लिफ्ट के गिरने का कारण था ये टूटी हुई केबल। पर इंस्पेक्टर को एक बात का ताज्जुब था कि यूजुअली तो एस्केलेटर्स में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए 3-4 केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इस लिफ्ट में सिर्फ एक केबल क्यों? इस सवाल का जवाब पाने की उम्मीद में इंस्पेक्टर ने मजदूरों से बात करनी शुरू की। And soon he came across the guy जिसने पुलिस को फोन लगाया था। सर, हाँ सर, हम बबलू, हम ही कॉल मारे थे सर आपको। वो सेकंड शिफ्ट का काम ही चल रहा था, अभी बहुत तेजी से आवाज आई, जैसे बम फटा हो सर। देखा तो लिफ्ट जमीन पे और हर तरफ खून। अनुभव सर, हमारे हाथ पांव फूल गए सर। मालिक को भी मारे फोन, लेकिन वो कहाँ फोन उठाते हैं हमारा सर। मालिक लोग बड़ा आदमी ना, हम तो छोटे हैं। और वैसे भी अगर उन्हें बताते कि अनुभव बाबू लिफ्ट में फंसे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं करते सर। वो सब उन लोगों का आपस में बनता नहीं था ना सर। मालूम चला कि कैसे सुपरवाइजर अनुभव उस बिल्डिंग के ओनर परम लांबा के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। मजदूरों से पता चला कि जब आखिरी बार बिल्डर लांबा अनुभव से मिलने बिल्डिंग में आया था, तब भी काफी सीन क्रिएट हुआ था। पर इतना बड़ा बिल्डर किसी एक टुच्चे से सुपरवाइजर से लड़ेगा क्यों, जबकि वो तो एक झटके में सुपरवाइजर को बेरोजगार और बर्बाद कर सकता था। यानी हो ना हो, सुपरवाइजर अनुभव कुछ ऐसा जानता था जो बिल्डर छुपाना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई नाउ द इंस्पेक्टर हैड अ डाउट, क्या जो लिफ्ट क्रैश अभी तक एक हादसे की तरह लग रहा था, वॉज इट रियली एन एक्सीडेंट? क्योंकि अगर किसी एक के साथ हादसा होने से किसी दूसरे को फायदा हो, तो उसमें साजिश की बू आने लगती है। हादसा कई बार इशारा भी होता है बादल, यूनिवर्स का, और मे बी अ कोइंसिडेंस। देखो ना,
तुम और मैं कोइंसिडेंटली इस लिफ्ट में बंद हैं। डोंट यू थिंक इट कुड बी अ साइन? कैसा है साइन डॉक्टर? साइंस दैट यू आर नॉट गेटिंग बादर। सी, देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई ब्रायन थिंक्स वी आर हैविंग एन अफेयर। नाउ डॉक्टर शालिनी, can't say anything about your husband Brian, but you and me know very well that we don't have any interest in each other. Who said I'm not interested? I mean, in your stories, I'm quite interested. अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपका ये यूं नजदीक आना जरूरी नहीं है, ओके? थोड़ा पीछे से। As you wish. वैसे इंस्पेक्टर का इंटरेस्ट अब उस केस में बढ़ रहा था। आखिर बिल्डर लांबा और सुपरवाइजर अनुभव के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? पता करने के लिए वो पहुंचा बिल्डर के ऑफिस में। उस ऑफिस की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए तो खुली की खुली रह गईं। एंड सून इंस्पेक्टर वाज इनसाइड परम लांबास केबिन। पुलिस को देखते ही लांबा समझ गया था कि कुछ घंटों पहले हुए हादसे ने ही पुलिस को उसके केबिन तक पहुंचाया है। सर, मैं समझ रहा हूं आप यहां क्यों आए हो। उस अनुभव और मेरे बीच क्या इक्वेशन थी, ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सर जी, माफ करना, एक नंबर का बेवकूफ था साला। बिजनेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, काम में टांग अलग अड़ाता था। देखिए, आपके और मेरे बीच की बात है, आप बताइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में थोड़ी सेटिंग तो करनी पड़ती है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब एक जैसे होते हैं, और उसको भी मैं यही समझाया करता था, पर मान ही नहीं रहा था। मुझसे ही होशियारी, बोल रहा था कि 15 लाख दो नहीं तो कस्टमर्स को बता दूंगा, बिल्डिंग की एक यूनिट नहीं बिकेगी। और अब देखिए, मरा भी मेरी ही बिल्डिंग में। अब शकुन की बातें होना स्टार्ट हो गई मार्केट में। कौन रहेगा इसी बिल्डिंग में, बताइए, आप जवाब दीजिए। बात करते हैं। एंड सडनली इंस्पेक्टर वाज एट अ डेड एंड, क्योंकि बिल्डर हैड अ पॉइंट। कोई बिल्डर अपनी ही बिल्डिंग की लिफ्ट से गिराकर किसी को क्यों मारेगा? और वैसे भी सुपरवाइजर के गिरने और मरने से सबसे ज्यादा नुकसान तो बिल्डर का ही हुआ था। And he was asking help from Inspector Batra so that case रफा दफा हो जाए। लेकिन हम क्यों लिफ्ट में मदद नहीं मांग रहे किसी से? ये कहाँ है फोन? ये हेलो हेलो वॉचमैन, हेलो वॉचमैन, सुनाई दे रहा है? हेलो, लिफ्ट अटक गई है, हेलो। अरे बादल, रिलैक्स रिलैक्स, देखो कोई फायदा नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, वॉचमैन सो गया होगा। हम भी सो जाएंगे डॉक, हमेशा हमेशा के लिए हम यहीं मर जाएंगे। अरे कोई है, प्लीज कोई है, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। बादल 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 बादल, काम डाउन, बादल बादल काम डाउन, हिम्मत रखो, समवन विल कम, है ना? इधर 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 आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, क्या क्या मेरे पास आओ, मे बी दिस विल काम यू डाउन। दूर हटे मुझसे, ये क्या कर रही हैं आप और मैं? अब एक हो सकते हैं। I know you need someone, Badar. Just leave me. You're alone. Nivedita ki baat tum. Hey, uska naam nahi, 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 nahi. Please don't uska naam. Kyun? Uska naam. Itni nafrat karne lage the usse? Haan? Kya natija hua is nafrat ka, Badar? Nafrat. Haan? Nafrat. नफरत सिर्फ मैं खुद से करता हूँ, और इसका नतीजा सिर्फ मेरी बर्बादी है। मेरे नजदीक आने वाला हर रिश्ता, हर इंसान खत्म हो जाता है। कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ रिश्तों और लोगों का खत्म होना जरूरी होता है। नहीं डॉग, नहीं। क्राइम की सच्ची कहानियों से एक बात सीखने को मिलती है कि कुछ भी बिना रीजन नहीं होता, और ये बात इंस्पेक्टर बत्रा भी बखूबी जानता था। लेकिन नाउ ही रियलाइज्ड कि बिल्डिंग का सुपरवाइजर की मौत और लिफ्ट के क्रैश होने से कोई मतलब नहीं था। तो अब इंस्पेक्टर के पास आखिरी रास्ता था कि वो इस केस को हादसा मान ले और इस केस में लिफ्ट की क्रैश रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दे।
और इस रिपोर्ट के खातिर वो वापस गया उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जहां दैट लिफ्ट वेंट डाउन। एट दिस टाइम ही वॉज देयर विद अ लिफ्ट टेक्नीशियन। लिफ्ट टेक्नीशियन को सब चेक करना था, एक रिपोर्ट बनानी थी, व्हाट वर द फैक्टर्स कि ये लिफ्ट इस तरह से क्रैश हुई वगैरह वगैरह। टेक्नीशियन अपना काम कर ही रहा था कि इंस्पेक्टर क्रैश साइट्स की फोटोज देखने लगा एंड ही एक्सीडेंटली केम अक्रॉस द कंट्रोल पैनल ऑफ द लिफ्ट। और तभी लिफ्ट टेक्नीशियन दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर के पास आया और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, लिफ्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है सर। इस केस को एक नई हवा मिल गई। टेक्नीशियन ने बताया कि भले ही इस लिफ्ट में सिर्फ एक केबल थी, बट कुछ लिफ्ट्स में एंटी फॉल मैकेनिज्म होता है जिसमें लिफ्ट की केबल टूटते ही लिफ्ट वहीं की वहीं स्टक हो जाती है और गिरती नहीं, विच इंश्योर्स कि लिफ्ट क्रैश ना हो। मगर इट सीम्स कि किसी ने रिसेंटली जानबूझकर फोर्सफुली एंटी फॉल के स्विच को बंद किया था। ये बोलते हुए टेक्नीशियन ने लिफ्ट का कंट्रोल पैनल खोला और उसे दिखाई दिया कि किसी ने एंटी फॉल का स्विच ही उखाड़ दिया था। यानी सुपरवाइजर की मौत किसी इंसान ने प्लान की थी जो कि इस बिल्डिंग के एक एक चीज से वाकिफ था और जिसके पास एक्सेस था हमेशा यहां आने जाने का। और मजे की बात यह थी कि द मोमेंट इंस्पेक्टर के दिमाग में यह बात आई, उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आई क्योंकि उसे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। उसने तुरंत फुटेज के लिए कॉल किया एंड कॉल से याद आया, व्हाई डोंट वी कॉल समवन, एक सेकंड, हम ब्रदर देयर इज नो नेटवर्क, ये फोन दो मेरे को, फोन दो। सांस नहीं आ रही, ये दीवारें, लिफ्ट की दीवारें हैं, ये करीब आ रही हैं, कुचल लेंगी क्या? ऐसा कुछ नहीं, हमें घेर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा बादल, कम ना कम ना, तुम्हें सिर्फ मेरी बाहें घेर रही हैं, ओके? मैं से मरना नहीं चाहता, शादी मैं से मरना नहीं चाहता। मरना आसान नहीं होता ना, लेकिन मारना, हाँ क्या वो आसान होता है? हाँ बताओ बादल, क्या तुमने जब निवेदिता को यस मारना आसान नहीं होता अंटिल यू हैव अ रीजन, मोटिव फॉर द क्राइम, यू नो, जो सुपरवाइजर अनुभव को मारने के लिए भी जरूरी था। मगर कौन था वो? इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी देखा और पैनल के करीब कुछ अजीब सा करता हुआ एक इंसान दिखा, बबलू। वही बबलू जो कि वाकिफ था उस पूरी बिल्डिंग के चप्पे चप्पे से, वही जिसने बहुत ही स्मूथली इन्वेस्टिगेशन का रुख बिल्डर की तरफ मोड़ने के लिए इंस्पेक्टर को बिल्डर और सुपरवाइजर के लड़ाई के बारे में बताया। वो दरअसल अपने और सुपरवाइजर के इक्वेशन को दुनिया से छुपाना चाह रहा था। पर वो कहते हैं ना, जुर्म और साजिश की परतें भले ही सच को कितना ही दबा दे, पर सच के निशान छुपाए नहीं छुपते। बिल्डिंग में लगी सीसीटीवी से यह साफ था कि वो बबलू ही था जिसने पहले लिफ्ट का एंटी फॉल स्विच बंद किया और फिर उसके बाद बड़े कन्वीनियंटली एक रात पहले आकर लिफ्ट की केबल से छेड़छाड़ भी की। मगर सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आखिर एक मामूली सा मजदूर एक मामूली से सुपरवाइजर को क्यों मारेगा? साहब, उसको कितना अच्छा आदमी समझते थे साहब। एक दिन मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई साहब, मैंने उससे 20,000 रुपए मांगे उधार और उसने झट से दे भी दिए और वादा किए कि 3 महीने में वापस लौटा दूंगा। मगर उसने 2 महीने के अंदर ही पैसों के पीछे ऐसा नाटक शुरू किया तो मैंने जैसे तैसे 15,000 रुपए वापस किए साहब। मगर वो हराम जादा एक रात घर के बाहर आया, बोला कि अब पैसा नहीं चाहिए साहब। मेरे घर में खड़े होकर बोला कि तेरी बीवी तेरी बेटी के साथ एक रात बिताऊंगा साहब। मेरी बीवी और मेरी बेटी, इसीलिए साहब, और इसीलिए उस जानवर को
सबक सिखाने का फैसला कर लिया था मैंने, गिरा दिए साले को। देखा ना आपने किसे पिचका पड़ा था साला। अक्सर कुछ लोग पैसे के नशे में ये बात भूल जाते हैं कि गुस्सा एक ऐसा बीज है जो किसी भी इंसान को जुर्म करने की हद तक ले जा सकता है। जस्ट लाइक सुपरवाइजर अनुभव की एक गलती ने बबलू को जुर्म करने के लिए इंस्पायर कर दिया। बादल, जुर्म की डेफिनेशन क्या है? हाँ, मतलब ऐसे तो कई सारी डेफिनेशंस हैं, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। क्या मोहब्बत एक जुर्म है? हाँ, अगर आपकी मोहब्बत से किसी की जिंदगी तबाह हो तो बेशक। फिर हम दोनों ब्रायन और निवेदिता के गुनहगार हुए ना बादल? क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? आ गया वॉचमैन, वॉचमैन कमीने। सॉरी सर, आइए सर, शायद लिफ्ट चालू ना हो पाए, बड़ी मुश्किल से खोली। इतनी देर से कहा था बेवकूफ, दे काम पे ध्यान दिया कर। जी सर, जी सर। समझाना बबलू। जी सर ना। उसने हमें बाहर निकाला और तुम अच्छा चलो अब। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, मैं सीढ़ियों से वापस ऊपर जा रहा हूँ। मिस्टर एक्स की सही जगह उसके जेल में अपने घर में। मीम साहब आप भी। क्या मीम साहब? हाँ बोला था मैंने, बोला था कि नहीं, कि इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं खोलनी है। उसकी जुबान पे ना सच आने ही वाला था और तुम गलत। एनीवे ये ले तेरे पैसे और मुंह बंद रखना, वरना वो क्या करेगा जानता है ना? और अगर उसने माफ कर दिया तो मैं नहीं करूंगी।